नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टॉप इंडिया और मैं हूँ आपके साथ सीमा नामदेव। शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। वर्ष 2013 बैच के आईपीएस एचपी जनार्दनन इन दिनों अपने नए अंदाज के लिए चर्चा में हैं। झारखंड के पाकुड़ जिले में पुलिस अधीक्षक के पद पर पदस्थापित जनार्दनन जनता से मिलने के लिए आए दिन सड़कों पर निकल रहे हैं। बुलेट पर सवार होकर वे मोहल्लों में पहुंच रहे हैं, लोगों के घर घर जाकर मिल रहे हैं, आम आदमी से हालचाल पूछ रहे हैं, बच्चों में चॉकलेट व पठन पाठन सामग्री बंटवा रहे हैं, लोगों के साथ बैठकर उनके दरवाजे पर चाय पी रहे हैं। बता दें, डीजीपी के निर्देश पर पुलिस की ओर से चलाए जा रहे अभियान एक अनोखी पहल के अंतर्गत सामुदायिक पुलिसिंग व्यवस्था को जमीनी स्तर पर लागू करने का जनार्दन का ये तरीका लोगों को खूब पसंद आ रहा है। बातचीत के दौरान आम लोगों को ये विश्वास दिलाने का प्रयास किया जा रहा है कि पुलिस उनकी दोस्त है, वे अपनी समस्याओं के लिए बिना किसी भय के सीधे सिपाही से लेकर एसपी तक मिल सकते हैं। पुलिस और जनता के बीच रिश्ते को बनाने के लिए एसपी ने मुफस्सिल इलाके का भ्रमण किया। इस दौरान आम लोगों ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। पुलिस अधीक्षक के साथ एसडीपीओ अजीत कुमार विमल, प्रभारी थाना प्रभारी संतोष कुमार भी मौजूद थे। पुलिस अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि वे आपसी भाईचारा बनाकर रखें, किसी भी प्रकार की घटना की सूचना पुलिस को अवश्य दें ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके। एसपी ने कहा कि पुलिस से डरे नहीं, पुलिस के लोग भी आम आदमी की तरह समाज का हिस्सा हैं। पुलिस के समक्ष अपनी समस्याओं को बेधड़क रखें, पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। उन्होंने कहा कि पहले लोग पुलिस का नाम सुनते ही डर जाते थे, लेकिन अब समय बदल गया है। लोगों के मन से डर समाप्त करने के लिए पुलिस अभियान चला रही है। सामुदायिक पुलिसिंग इसका उदाहरण है। सामुदायिक पुलिसिंग के तहत इलाके में फुटबॉल मैच कराए जा रहे हैं, इससे जनता के बीच पुलिस की पकड़ मजबूत हो रही है। मुफस्सिल थाना में पुलिस प्रशासन की ओर से आम लोगों के लिए विशेष सत्र का आयोजन किया गया। मुख्यालय डीएसपी वेदनाथ प्रसाद ने उपस्थित लोगों से कहा कि अतिवादी सोच ना रखें, किसी पूर्वग्रह से ग्रस्त ना हो, अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो इसे स्वीकार करें, कानूनी प्रावधानों का अनुपालन करते हुए मुख्य धारा से जुड़ने का प्रयास करें। सातवीं से दसवीं जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा परिणाम में उठे विवाद को लेकर उम्मीदवारों ने बीते मंगलवार को जोरदार प्रदर्शन किया। इसके बाद आज झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अमिताभ चौधरी को राजभवन बुलाया गया था। राजभवन से निकलने के बाद जेपीएससी अध्यक्ष अमिताभ चौधरी ने कहा कि परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद जितने भी तरह की आपत्ति और सवाल खड़े हुए हैं, उन सभी का जवाब उम्मीदवारों को झारखंड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर मिल जाएगा। साथ ही उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, आपकी आपत्ति पर विचार करते हुए जवाब दिया जाएगा। गौरतलब है कि झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से संयुक्त रूप से 4 सिविल सेवा परीक्षा एक साथ ली गई। इसे 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा का नाम दिया गया। 19 सितंबर को प्रारंभिक परीक्षा ली गई थी, इसके बाद प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी किया गया। परिणाम जारी होते ही विवादों में आ गया। उम्मीदवारों का आरोप है कि आयोग की ओर से प्रारंभिक परीक्षा परिणाम में भारी गड़बड़ी हुई है। इस परिणाम में लोहरदगा और साहिबगंज जिला के केंद्र से सर्वाधिक उम्मीदवार पास किए गए हैं। प्रारंभिक परीक्षा में एक ही सेंटर से सीरियल नंबर में प्रारंभिक परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए उम्मीदवार लगातार आंदोलनरत हैं। बीते मंगलवार को झारखंड लोक सेवा आयोग का दफ्तर घेराव करने निकले थे, जिसके बाद उम्मीदवारों पर पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किया गया। कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने लाठीचार्ज की घटना और प्रारंभिक परीक्षा परिणाम में हुई गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात कर परीक्षा की जाँच कराने का अनुरोध किया है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए न्यूज़ टॉप इंडिया के साथ। नमस्कार।